अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज मान फ्रॉम नेक्स्ट टेक फाइंडर। तो दोस्तों हमारे पास मौजूद है टेक्नो का न्यू मॉडल टेक्नो कैमन 16। जी हाँ, इसकी 8 GB रैम है, 128 GB बिल्ट इन मेमोरी है। यहाँ पर इसके अंदर टाइप वॉस टेक्नोलॉजी दी गई है। जी हाँ, कैमरे में टाइप वॉस टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। आज हम ये भी टेस्ट करेंगे भाई टाइप वॉस टेक्नोलॉजी क्या है जो इस फोन में दी गई है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो पाकिस्तान में इसके प्राइस 37,000 रुपये के गए हैं। तो व्यूअर, यहाँ पर मेरे पास आपके लिए गिव अवे मौजूद है। गिव अवे ये है जी, टेक्नो का एक बैग, लैपटॉप बैग, ये आपका हो सकता है। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपना मन पसंद कमेंट्स करना है इस वीडियो के नीचे। और मैं रैंडमली कमेंट पिक करूंगा, क्या पता आप इसके विनर हो जाएं। चलिए हम यहाँ पर चलते हैं जी इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। डिटेल फीचर्स की मैंने बात की है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को लाजमी देखिएगा। यहाँ पर मैं ज़्यादा बात नहीं करता, चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको टाइप वॉस का मतलब बता दूँ। टाइप वॉस क्या है? टाइप वॉस जी टेक्नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विजन ऑप्टिमाइजेशन सोल्यूशन है। यहाँ पर इसकी डिटेल बताता हूँ। 960 FPS अल्ट्रा स्लो मोशन, IMAX क्वालिटी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, हाइब्रिड इमेज स्टेबलाइजेशन, AI वीडियो बूके मोड, AI वीडियो ब्यूटी मोड, 190 डिग्री सुपर वाइड एंगल कैमरा। तो टाइप वॉस का मतलब ये है। यहाँ पर चलते हैं जी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो दोस्तों ये रहा टेक्नो कैमन 16 का बॉक्स। सामने आपको यहाँ पर फ़ोन बना हुआ मिल रहा है और इसकी बैक साइड पे हमें यहाँ पर कुछ हाईलाइट फीचर्स देखने को मिल रही हैं। AI ड्यूल कैमरा, सुपर वीडियो मोड, अल्ट्रा नाइट पोर्ट्रेट, पावर बाय टाइप वॉस टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। 48 MP अल्ट्रा क्वाड कैमरा, 6.9 फुल HD ड्यूल डॉट इन डिस्प्ले, 33 W फ्लैश चार्जिंग। और यहाँ पर कैमन 16 और बैक साइड पर भी कुछ हाईलाइट फीचर्स लिखे हुए हैं। और यहाँ पर इसका जो वेरिएंट है, 8 GB रैम है, 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है और यहाँ पर PTA से ये अप्रूव फोन है। यहाँ पर बॉक्स को कर लेते हैं जी ओपन, हम कटर के साथ यहाँ से करते हैं इसको ओपन। यहाँ भी कट लगाते हैं जी, इधर भी लगाते हैं कट और यहाँ पर लगाते हैं कट। तो हम कर लेते हैं जी पैकिंग को रिमूव, तो बॉक्स को करते हैं ओपन। बॉक्स ओपन करने पे सामने ही मिलता है आपको एक और बॉक्स, इसको भी निकाल लेते हैं बाहर। काफ़ी प्यार लग रहा है, ओ टाइप बना हुआ है कैमरा टाइप। यहाँ पर आपको टेक्नो भी लिखा हुआ मिल रहा है देखने को। और इसको एक साइड पर रखते हैं, सामने हमें मिलता है जी फोन कैमन 16। बाहर निकाल लेते हैं जी और यहाँ पर जी आपको फ्रंट पे इसके कुछ हाईलाइट फीचर देखने को मिल रहे हैं। फ़ोन को निकालते हैं जी बाहर। वाओ, कमाल, बहुत ही नाइस लुक है फ़ोन की। इसको एक साइड रखते हैं, देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या देखने को मिला था। इस बॉक्स के अंदर जी हमें 12 month + 1 month यानी 1 साल की वारंटी और 1 महीने की आपको एक्स्ट्रा वारंटी यानी 13 month की आपको यहाँ पर वारंटी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर हमें इसके अंदर सेफ्टी इंफॉर्मेशन बुक देखने को मिल रही है, आप इसके बारे में जान सकते हैं, पढ़ेंगे आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा भाई इस फोन में क्या क्या है। और यहाँ पर हमें एक सिलिकॉन कवर देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कवर है यार। एक होता है चीप क्वालिटी का नॉर्मल सा कवर दे देते हैं, वो नहीं है, कवर तो काफ़ी प्यारा है। यहाँ पर आपको अंदर टेक्सचर से देखने को मिल रहे हैं और डिज़ाइन भी देखने को मिल रहा है। तो ये फ़ोन पे लगाते हैं, कैसा लगता है हमारा फ़ोन कवर लगाने में? तो वाओ, कवर लगाने के बाद भी आपके फ़ोन की लुक है वो ख़त्म नहीं हो रही, वैसा का वैसा ही नज़र आ रहा है, इतना अच्छा कवर दिया गया है। यहाँ पर आपको एंट्री पोर्ट, यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट कवर हो जाती है। मजीद बॉक्स में देख लेते हैं, पर हमें एक डाटा केबल देखने को मिल रही है सी टाइप। जी हाँ, इसके अंदर सी टाइप डाटा केबल दी गई है, बहुत ही बढ़िया हो गया जी, सी टाइप डाटा केबल है, बहुत जल्दी आपका फ़ोन चार्ज होने वाला है। यहाँ पर आपको 33 W का एक चार्जर देखने को मिल रहा है, क्विक चार्ज कर देगा आपके फ़ोन को, ये भी हम टेस्ट कर लेंगे आगे जाके। इसको एक साइड पर रखते हैं और यहाँ पर हमें एक जी बॉक्स के अंदर हैंड फ्री भी देखने को मिल रही है और हैंड फ्री निकाल लेते हैं बाहर। वाओ, ये हैंड फ्री आप कॉल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और सॉन्ग के लिए भी, ये दोनों पर्पज़ के लिए आपकी हैंड फ्री यूज़ में आएगी। अब आते हैं जी हम अपने फ़ोन की तरफ। बैग यहाँ पे हमें काफ़ी प्यारी देखने को मिल रही है, ग्लॉसी बैग है इसकी। और यहाँ पे आपको 4 कैमरे देखने को मिल रहे हैं, टाइप वॉस टेक्नोलॉजी वाले, 48 MP AI क्वाड कैमरा। कैमरे की इस वीडियो में हम डिटेल वाइज बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे कि स्लो मोशन इसमें दिया गया सबकी। और यहाँ पर बैग पर हमें यहाँ पर स्टिकर्स को रिमूव कर लेते हैं जी रिमूव।
और ये बैक आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिल रही है। टेक्नो यहाँ पर हमें कैमन लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, और फ़ोन के नीचे वाली साइड पे हमें यहाँ पर हैंडफ्री पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें माइक देखने को मिल रहा है, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, और यहाँ पे आपको स्पीकर देखने को मिल रहा है। स्पीकर का साउंड कैसा है ये भी हम टेस्ट करते हैं आगे चल के। और यहाँ पे आपको बिल्कुल प्लेन बॉडी, यहाँ पे हमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है साइड में, और पावर बटन भी यही है, वॉल्यूम बटन डाउन वॉल्यूम बटन अप। ऊपर वाली साइड हमें बिल्कुल प्लेन देखने को मिल रही है, और यहाँ पर हमें जी सिम ट्रे का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर प्लेन बॉडी देखने को मिल रही है। सिम ट्रे को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों सिम ट्रे बाय निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप एट अ टाइम इसके अंदर 2 नैनो सिमें डाल सकते हैं, ये 2 नैनो सिमें सपोर्ट करेगा और मेमोरी कार्ड भी करेगा। यहाँ पे हमें रबड़ भी देखने को मिल रही है, अगर खुदा ना खासा पानी में भी आपका फ़ोन गिर जाए तो यहाँ से तो आपके फ़ोन में पानी नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सेफ्टी उन्होंने की हुई है। तो यहाँ पर जी तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले की फर्स्ट लुक, काफ़ी प्यारा डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पर हमें ड्यूल कैमरा देखने को मिल रहा है, और फ्रंट पे हमें यहाँ पर LED लाइट देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम बात करेंगे इसके कैमरे की, क्योंकि बैक पे इसके 4 कैमरे दिए गए हैं, और यहाँ पर कैमरे में हमें काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या फीचर्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। 48 मेगापिक्सल इसका मेन AI क्वाड कैमरा है। हम इसके कैमरे को ऑन करते हैं जी, कैमरे में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। कैमरा ऑन करते हैं, फर्स्ट में ही हमें यहाँ पर शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। शॉर्ट वीडियो में आप यहाँ पर वाइड एंगल भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पहले वाइड एंगल था और ये आप आ गया नॉर्मल, यहाँ पर ये वाइड एंगल शॉर्ट आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आप को फिल्टर्स मिल जाएंगे बीच में ही इसके, अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं टिकटॉक वीडियो बनाते हैं तो आपको इसमें बिल्टन ही मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ देखें। चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, आपको इसमें फर्स्ट में ये ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पर आपको वीडियो स्लो करने का 2x ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, 1x नॉर्मल जो होती है, और यहाँ पर आप और स्लो करने जाते हैं 0.5 पर भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है वो है जी वीडियो का, मेन चीज़ है इसकी वीडियो, हम इसकी प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। पहले मैं आपको इसके फंक्शन समझा दूँ उसमें क्या क्या है, फिर आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। तो सामने से आ रही है ट्रेन, यहाँ पर हम इस पर 1080 पे वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं 60 FPS पे। बड़ी तेज़ आ रही है ट्रेन सामने से, जैसी ट्रेन करीब आती है तो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ शूट। यहाँ पे आपको इसमें स्लो मोशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, स्लो मोशन में हमने कुछ वीडियो रिकॉर्ड की है। यहाँ पे आपको 960 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, और 240 FPS पे भी वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और 120 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मैंने इस फ़ोन से प्रॉपरली वीडियो बनाई है वो आप देख लीजिए, कुछ तस्वीरें ली हैं टोटली कैमरे से वो आप देख लीजिए।
यहाँ पर बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, आपको 6.9 इंच का फुल HD प्लस ड्यूल पंच होल वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, देखें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश है और बिल्कुल भी लैगिंग नहीं आ रही। वाह वाह, बड़े मज़े से चल रहा है, स्मूथनेस बहुत है यार इसमें। यहाँ पर आप इसके अंदर HDR प्लस सपोर्ट करता है, आप इसमें HDR की वीडियो YouTube से लाइव चला सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें प्ले करता हूँ तो यहाँ पर आप वीडियो देखने और यहाँ पर जाते हैं, इसलिए HDR वीडियो प्ले कर रहा है। आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले के ग्राफिक्स, 1080p पे भी वीडियो चलाएगा, 60fps पे भी, और ये HDR 10 सपोर्ट करता है। आप YouTube से लाइव भी वीडियो देख सकते हैं, अगर आप फिल्में मूवीज़ ये सब देखते हैं तो ये मैं कहता हूँ कमाल है। डिस्प्ले एक्सपीरियंस का बहुत अच्छा है, गेम्स खेलेंगे आप HD पर गेम्स प्ले कर सकते हैं इसमें। पर आपको इसके अंदर जी मीडिया टेक हीलियो G90T गेमिंग चिपसेट देखने को मिल रही है। आप पबजी खेलते हैं, काफ़ी सारी गेम्स हैं आप खेलते हैं, लाजमी नहीं कि आप सिर्फ पबजी ही खेलते हैं, और भी जो भी गेमें आप जो खेलते हैं उसको ये बेस्ट चलाएगा। और ये सुपर फास्ट एंड स्पीडी प्रोसेसर है, मैं कहता हूँ कमाल हो गया। 128GB इसकी बिल्ट इन स्टोरेज है, अगर आपका यानी कि डाटा रखने का काफ़ी शौक है, आप तस्वीरें लेते हैं कहीं घूमते फिरते हैं, तो इसकी 128GB बिल्ट इन मेमोरी है, मैं कहता हूँ फुल नहीं होने वाली। यहाँ पर आपको 8GB इसकी रैम देखने को मिल रही है, मल्टीटास्किंग करते हैं उसके लिहाज से तो बेस्ट है। और दोस्तों यहाँ पर आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, साथ में आपको 33W का सुपर चार्जर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, सुपर फास्ट चार्जिंग आपको साथ में देखने को मिल रही है, बहुत ही जल्दी आपका फ़ोन ये चार्ज हो जाएगा। 4500mAh की इसकी बैटरी दी गई है, साथ में आपको सी टाइप चार्जिंग स्लॉट देखने को मिल रही है, और यहाँ पर आप 60 मिनट के अंदर 90% अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। वाह जी वाह, आप 60 मिनट में 90% आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा, एक घंटे के अंदर अंदर आप अपने फ़ोन को फुल कर सकते हैं। और रही बात यहाँ पर जी, इसमें आप व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आपने सिंपली सा ये करना है, साइड पर जाना है, यहाँ पर आपने साइलेंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जाना है, यहाँ पर आप वॉइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए वॉइस वाली, आप ये व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहे हैं किसी से भी, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी हो जाएगी, व्हाट्सएप की आपकी भी होगी उसकी भी होगी, आवाज़ भी आएगी। देखिए वॉइस वाली, पहले ये होता था कि माइक जो होता था वो वर्क नहीं करता था, पर ये वाला फीचर आपको सैमसंग में देखने को मिल जाता है, अच्छी बात है। सैमसंग में ये वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला है, और टेक्नो में भी आपको देखने को मिल रहा है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं यार। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन बार नीचे करते हैं, यहाँ पर हमें यहाँ पर वाईफाई और ब्लूटूथ रिंगिंग फ्लैश लाइट रिंगिंग की मैं आवाज़ आपको सुनाता हूँ, इसकी बेल की आवाज़ कितनी तेज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी बेल की आवाज़ ये लें जी, तो ये इसका स्पीकर है और इसकी बेल की आवाज़ काफ़ी अच्छी है, तेज़ है, इतनी यानी बुरी नहीं है। देखो ये इसकी बेल की आवाज़ है, स्पीकर की आवाज़ अच्छी है इसकी, बैड नहीं है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे इसी तरह अगली आने वाली लेटेस्ट एंड फ्रेश वीडियो में। अगर इस फ़ोन के हवाले से कोई सवाल हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, गिव अवे में शामिल होने के लिए कमेंट्स करना लाजमी है, वीडियो को शेयर करना लाजमी है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।